इमाम मेहदी के बारे में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से उन्हें ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से होंगे और हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की औलाद में से, यानी अहले बैत में से होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि उनका नाम जो होगा मेरे नाम पर होगा और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा। इससे ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद या अहमद था। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भी इमामुल महदी की मुकाम पे अल्लाह ताला जिस शख्स को भी फ़ायज़ फरमाएगा, पहली तो बात यह है कि वो हाशमी या सैयद या कुरैशी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से होगा। ज़रूरी नहीं है, कुछ ऐसे हाशमी और सैयद लोग हैं उन्हें पता भी नहीं है कि हम हैं, लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सैयद या हाशमी कहलवाते हैं नहीं, तो ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है कौन होगा, जब वो ज़ाहिर होंगे फिर ही उस चीज़ को क्लियर होगा। तो नाम उनका मोहम्मद या अहमद हो सकता है, और जो उनका सेकंड नेम है वो कोई भी हो सकता है, बाद में कुछ भी नाम लग सकता है, लेकिन उनके नाम का जो फर्स्ट है, फर्स्ट नेम जिसको हम कहते हैं, मोहम्मद होगा। और जो उनके वालिद का नाम होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला, तो इसका मतलब है कि उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला हो सकता है। लेकिन जो अहदीस हैं उनमें कुछ चीज़ें सिम्बॉलिक भी होती हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम अब्दुल्ला करके साथ में अल्लाह का नाम कोई भी लग सकता है, यानी अल्लाह का बंदा, अल्लाह का गुलाम, अब्दुल्ला, अब्दुल हय, अब्दुल क़य्यूम, अब्दुल गनी, अब्दुल करीम, इस तरह से हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। जब वो एक्चुअल में आएंगे तो वो तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं कि वो कौन होंगे। हाँ, ये है कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो शायद कोई दीनदार आदमी होंगे, ज़रूर होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो किसी मस्जिद के इमाम हों। हो सकता है कि देखें, मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, बाबाए कौम, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था जब इंग्लैंड में थे वो, और इंग्लिश में उनसे बात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंग्रेज़ी में गुफ्तगू फरमाई, तो उन्होंने ये कहा कि मैं जो है ना वो मायूस हूँ हिंदुस्तान के हालात से, तो वो छोड़ छाड़ के इंग्लैंड में चले गए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने जो गुफ्तगू फरमाई वो इस तरह से थी कि ये काम तुम नहीं कर रहे, हम करवा रहे हैं, जो पाकिस्तान बनने वाला काम है, मदीना सानी बनने वाला काम है, ये मोहम्मद अली जिन्ना से कहाँ होना था 7 साल में। उनको तो दीन का भी सही तरह से इल्म नहीं था, दीन का भी सही इल्म उनको नहीं था, वो उस तरह के मुसलमान भी नहीं थे जैसे मैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक दुनियादार लोग जिनको, जो उनको हम समझते हैं वो थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनसे काम ले लिया। तो इसी तरह इमामुल महदी भी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि दाढ़ी इमामा होगा, हो सकता है हो, हो सकता है ना भी हो, अल्लाह का दीन सबके लिए है, अगर कोई गुनाहगार है उसके लिए भी है, क्लीन शेव है उसके लिए भी है, अगर कोई हुकूमत में बैठा है उसके लिए भी है, अगर कोई फ़कीर है उसके लिए भी है, सबके लिए है दीन। तो हो सकता है वो कोई लीडर हो, कोई फौजी क़यादत हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो जब वक्त आएगा तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, तो उसके लिए हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाहुम्मा अरिनल हक हक्कन वरज़ुक्ना इत्तिबा, वरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक्ना इज्तिनाबा। ऐ अल्लाह, हक को हक करके दिखा, उसकी पैरवी की तौफीक अता फरमा, बातिल को बातिल करके दिखा और उससे बचने की तौफीक अता फरमा।